मेरा नाम रणवीर सिंह चौहान जी है। रणवीर सिंह चौहान जी, आप अंदर होके आए, क्या स्थिति है? जिस तरीके से वहाँ पे पूरी रात से कार्य चल रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई क्या? जी सर, वहाँ पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है। शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर है। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से हम लोग वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाजें हम तक पहुंची, वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी साइड से टूट रहा है। तो वर्तमान में जहां पर जो है हमारा कार्य रैक से चल रहा है बाहर से, वह है 205 मीटर पे, और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो कह रहे हैं कि हम 270 पर अंदर है, और ये लगाओ कि 50-60 मीटर अभी भी बाकी है खोने के लिए। अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है, भगवान चाहे वो सारे लोग सुरक्षित हों, यही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। आप एक खुशी की बात जाहिर कर रहे थे जो उनसे बातचीत हो पा रही है, जी ये सबसे बड़ी आज एक सबसे बड़ा कदम है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? जिस तरीके से अंदर से उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें अब हवा की जरूरत है। जी हाँ सर, ये है कि सबसे पहले कल तक तो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था, सारे लोग घबराए हुए थे। लेकिन जब जो है रात ठीक 11 बजे उन लोगों से जो है संपर्क हो पाया है, तो वो लोग बराबर जब हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं तो वो बिल्कुल, हमने यहाँ से लिखे भी भेजा था कि आप कितने लोग हैं और सुरक्षित हैं कि कौन सी स्थिति में है, तो उन्होंने उसको रिटर्न किया। अभी आवाज हमने दी, हमने कहा हमने यहाँ से कुछ भेजा था लिखे, क्या आप तक पहुंचा? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपने कागज भेजा था वो हमने हमारे नेगी सर जी ने पढ़ा है और हम लोगों को धैर्य बना रहे हैं कि थोड़े 2-3 घंटे में ये खुलने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखिये। और खाने के जो आप भेज रहे थे वो हम तक पहुंच रहा है और हम लोग उसे भी खा लिया है। पर वर्षा दी है कि हवा का विशेष ध्यान रखा जाए, अगर आप लोग हमें यहाँ पर सुरक्षित चाहते हैं तो हवा सबसे पहले हवा भेजी जाए। अब इसी से जो है उनके लिए ऑक्सीजन जा रही है, इसी से खाद्य सामग्री जा रही है।